Guys, welcome to my YouTube channel Commerce Group, and I'm your friend Harjol. So today we're back with our new video. सो आज मैं आपके लिए एक न्यू वीडियो लेके आई हूँ जिसमें मैंने आपके साथ अपने प्राइजेज़ हैं जो उनको शेयर करना है, ठीक है। और अब मैं चाहती हूँ कि मैं आपके साथ अपने जो पर्सनल जो चीज़ें हैं, जो अपने अपने अपनी फीलिंग्स हैं, जो मैंने थोड़ा बहुत कुछ अचीव किया है, या फिर मैं अपनी जो पर्सनल लाइफ है वो आपके साथ थोड़ी बहुत शेयर करूँ। इसके साथ साथ मैं अपनी स्टडी के साथ साथ ऐसी एक्स्ट्रा जो है वीडियोस है जो अपलोड करती रहती हूँ, ताकि आप मेरे बारे में थोड़ा बहुत जान पाओ, ठीक है। इसलिए बाकी चलो आज का हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियोज़ का। सो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपने एकेडमिक प्राइसेस। ये मेरे एकेडमिक प्राइसेस हैं जो मुझे टिल प्लस टू तक मिले हैं, और ये सभी प्राइजेज है तो थोड़े हैं, बच्चों को वैसे बहुत मिलते हैं, बट जितनी मैंने एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया है उनके उनमें जो मुझे मिले हुए हैं ये, बट मेरे लिए बहुत बड़ी बात है जो मुझे अचीव हुए हैं ये। और जब आपको उस टाइम जब आप किसी फंक्शन में पार्टिसिपेट करते हो, ठीक है, और पार्टिसिपेट करने के बाद जब आपका फाइनल रिजल्ट आना होता है, तो उस टाइम जो आपकी बीट है जो इतनी तेज़ हुई होती है कि अब किसका नाम बोला जाएगा, किसका नाम बोला जाएगा, और जब अचानक स्टेज पर आपका नेम है जो अनाउंस होता है, तो उस टाइम जो वो मोमेंट होती है ना, वो हर स्टूडेंट के माइंड में कैप्चर हो जाती है। वो एक ऐसी अच्छी मोमेंट बन जाती है जिसको जब आज भी हम याद करते हैं इन प्राइजेस को देखकर, तो बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा प्राउड फील होता है अपने आप पर कि कुछ तो मिला है। सो कुछ तो हम में टैलेंट है जिसकी वजह से हमें ये मिला हुआ है। सो यही मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि मुझे किस किस एक्टिविटी में कौन कौन सा प्राइज़ मिला हुआ है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सो ये मेरा पहला प्राइज़ है, जो कि ये सेकंड, मैं इस टाइम सेकंड आई थी, और ये मुझे मिला हुआ है भंगड़ा डांस में। मेरे को जैसे मैंने आपको बताया गिद्दे का और भंगड़े का शौक है, जैसे मैं पंजाब से बिलोंग करती हूँ, सो आई लव भंगड़ा एंड गिद्दा। सो उसमें मुझे मिला हुआ है सेकंड प्राइज, आप देख सकते हो ये इस तरह का कुछ है, और ये सेकंड प्राइज है, एंड ये मुझे मिला हुआ है आई थिंक 2010 में है। सो ये थोड़ी सी पिक्चर ब्लर हो रही है, बट ये मुझे 2010 में मिला हुआ है प्राइज, आप देख सकते हैं ये मुझे 2010 में मिला हुआ है। सो एनुअल प्राइज जो था डिस्ट्रीब्यूशन, उस टाइम फंक्शन था, उसमें मुझे सेकंड प्राइज मिला हुआ था, जो कि मुझे भंगड़े में मिला था। ये मेरा सेकंड प्राइज है, आप देख सकते हैं ये मुझे शब्द ज्ञान में मिला था। शब्द गायन होता है, जब आपको पता है अगर जब कोई भी फंक्शन स्टार्ट होता है, उस टाइम सबसे पहले जो शब्द को गाया जाता है, परमात्मा का या फिर गॉड का नाम लिया जाता है, ठीक है। सो शब्द स्टार्ट करने से पहले जो बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, उस टाइम मुझे ये शब्द गायन में मिला था। आई थिंक ये 10 to 8 स्टूडेंट्स का ग्रुप होता है जिसे शब्द गाना होता है, ठीक है। सो ये उस टाइम मुझे मिला था, ये आप देख सकते हो, ये मुझे 2010 में ही मिला है, दिसंबर में। सो ये भी एनुअल डिस्ट्रीब्यूशन था जो फंक्शन, उस टाइम पे मुझे मिला था 2010 में, ठीक है। ये भी लुधियाना में जिस कॉलेज में पढ़ती थी वहाँ पे मुझे मिला हुआ था स्कूल से। ये मेरा थर्ड एकेडमिक प्राइज, तो ये मेरे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रखता है प्राइज़, इसको मेरे को बड़ा मन था इस प्राइज़ को जीतने के लिए। ये आप देख सकते हैं किस के लिए मिला हुआ है मुझे, मिस तेज जूनियर 2011-12। सो ये हमारे जो स्कूल में था ना, मिस तीज का भी, मिस तीज निकाली जाती थी, जैसे सावन के महीने में तीज मनाते हैं ना, उस टाइम हमारे फंक्शन होता है सावन में, जब लड़कियां तीज मनाती है, झूले झूलते हैं, उस टाइम मिलता है। सो उसमें से ये सिर्फ एक लड़की को मिलता है, और इसके साथ एक क्राउन भी मिलता है। सो मेरे को बड़ा था कि मेरे को भी वो क्राउन है जो वो लेना है, बड़ा अच्छा क्राउन है, बट वो वापस ले लेते हैं उस टाइम, बस जस्ट पिक क्लिक करके फिर वापस वो स्कूल वाले जो वापस ले लेते थे। बट एक बार मेरे को पहनने का बड़ा मन था कि मेरे को इसको पहनना है। सो उस टाइम था जो मैंने ये इसमें पार्टिसिपेट किया था मिस तीज में। इसमें आई थिंक 3 राउंड होते हैं, जो फर्स्ट राउंड था वो इंट्रोडक्शन राउंड था, सेकंड राउंड था वो उसमें आपको गिद्दा डालना था किसी भी बोली पर, और जो थर्ड राउंड था वो क्वेश्चन और आंसर का था। उसमें से आपको पंजाब का जो सभ्याचार है, जो पंजाब की आपकी हिस्ट्री है, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और उनमें से जो है एक लड़की को फाइनल किया जाता है। जैसे मिस वर्ल्ड होता है, उस टाइम ये छोटे लेवल पे था, जूनियर लेवल पे मिस तीज, तो उस टाइम मुझे बनाया गया था मिस तीज जूनियर। सो आप देख सकते हैं उस टाइम मुझे ये मिला गया था मिस तीज जूनियर। और ये है मेरा फोर्थ प्राइज, ये भी है जो शब्द ज्ञान में मिला था मेरे को,
जब शब्द स्टार्ट किया जाता है, शब्द गाया जाता है शब्द गायन में। सो ये मुझे मिला हुआ है 2012 में। जो पहले वाला था वो 10 में मिला था और ये 2012 में मिला था। 11 में क्यों नहीं मिला मेरे को नहीं पता, शायद हम पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे कोई रीज़न से। बट ये 2012 में मैंने फिर से पार्टिसिपेट ये किया था शब्द गायन में, उस टाइम मेरे को मिला था एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में GTB कॉलेज और सीनियर सेकेंडरी स्कूल फॉर गर्ल्स। गर्ल्स का स्कूल होता जिस जहाँ पे मैं पढ़ती थी ना, वो ओनली गर्ल्स का था। सो जब तक मैंने प्लस टू किया वो ओनली फॉर गर्ल्स में ही किया, उसके बाद है जो वो मैंने कॉलेज लेवल आगे चेंज किया। गुरु नानक नेशनल कॉलेज में मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है, बट टिल प्लस टू तक मैं ओनली फॉर गर्ल्स में स्टडी की है। सो ये मुझे शब्द में मिला था 2012 में। ये भी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखता है ये वाला प्राइस। ये मैं आपको बता दूँ, मुझे फर्स्ट प्राइज़ मिला था ये एकेडमिक हरजोत को 10th में। इसमें मैं 10th में फर्स्ट आई थी, उस टाइम मुझे मिला था 2013 में। आप पढ़ सकते हो 2013 में एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में 2013 में मुझे ये प्राइज था जो मिला था, ठीक है। और ये मैं आपको बता दूं क्या हुआ था कोइंसिडेंस। यहाँ पे 10th में मेरे मार्क्स थे और एक मेरे साथ और लड़की थी। हमारा कुछ जस्ट पॉइंट्स में, आई थिंक परसेंटेज के कुछ पॉइंट्स में थोड़ा सा गैप रह गया था, लाइक 2 or 3 पॉइंट्स में। सो बस पॉइंट्स की वजह से मैं फर्स्ट आ गई और वो सेकंड पे आ गई। सो हम वैसे सेम ही थे, मैं आपको बता दूं, आई थिंक वो भी मेरी वीडियो देख रही होगी। सो हमने एक्सेप्ट किया इस डिसीजन को, क्योंकि पॉइंट्स में 10th का रिजल्ट है जो बोर्ड का होता है, ठीक है, आपके हाथ में नहीं होता वो। तो इस टाइम मेरे को 10th में फिर फर्स्ट मिला, मैं फर्स्ट आ गई थी, पॉइंट्स मेरे थोड़े से उससे ज़्यादा थे, सो डेट्स वाई। ये है मेरा 6th प्राइज और ये मुझे फर्स्ट प्राइज मिला हुआ है एक्शन सॉन्ग में एनुअल कल्चरल फंक्शन। हमारे बोलते हैं स्कूल में कल्चरल प्रोग्राम होता था, ठीक है। सो उस कल्चरल फंक्शन में मेरे को एक्शन सॉन्ग पर मिला था। एक्शन सॉन्ग होता है कि आपको एक सिंगल सॉन्ग को चूज कर उस पर आपने खुद कोरियोग्राफ करना होता है डांस सारा। सो उस एक्शन सॉन्ग पर मुझे फर्स्ट प्राइज मिला था 2014 में, जैन 2014 में ये फंक्शन था, उस टाइम मुझे ये अचीव हुआ था। एंड ये है मेरा 7th प्राइज। ये मुझे मिला हुआ है शब्द ज्ञान में, ये भी जब शब्द गाया था इन 2010 में किया, 2013 में किया एंड 2014 में फिर मैंने शब्द में गाया, उस टाइम मुझे मिला शब्द गायन में। एंड ये भी एनुअल कल्चरल फंक्शन में था। हमारे जब भी कोई फंक्शन होता है ना कल्चरल या कोई भी एनी फंक्शन, हमारा शब्द से ही स्टार्ट होता था, डेट्स वाई प्राइज भी मिलते थे उसमें। सो ये मुझे मिला हुआ, आई थिंक 2014 में जी, ये मुझे उस टाइम मिला हुआ है शब्द गायन में, आप देख सकते हो प्राइज को मेरे। सो ये थी मेरी मेमोरीज, जिन्हें आज भी मेरे को देखकर अपना जो स्कूल लेवल है बड़ा याद आता है। अपने स्कूल फ्रेंड्स, स्कूल की स्टडी, स्कूल टीचर्स, कोलीग सभी याद आते हैं। स्कूल लेवल पर जो जो इंजॉय किया था वो सब याद आता है। बट चलो अभी मेरे पास इसकी कुछ यादें हैं जो भी मैंने संभाल कर रखी हुई हैं। सो ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल।